कुछ मूवीज होती हैं जो आपने इतने बचपन में देखी होती है कि वो ऐसे अलग ही जन्म जैसा लगता है कि पिछले जन्म में ही देखा था। पहली जो इंडियन मूवी है वो आई थी 1996 में, 27 साल हो चुके हैं, कैन यू बिलीव। लेकिन अगर आप भी लेट 80s या अर्ली 90s में पैदा हुए हो तो कुछ मूवीज है ना जो हमारे कल्चर में है, जैसे नायक हो गया, अपरिचित हो गया या फिर इंडियन। तो इंडियन 2 का इंट्रो आ चुका है और आज हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड। तो सुबर्णा ने बोला कि एक ही शर्ट में और कितने वीडियोस बनाओगे, तो मैंने भी बैक टू बैक 4 रिकॉर्ड कर लिए। अगर ये शर्ट आप देखोगे ना मेरे वीडियोस में, मतलब ये सब कुछ एक ही दिन में रिकॉर्ड हुआ है। जो पहली इंडियन मूवी थी, मुझे अच्छे से याद है कि वो मूवी भी ना बहुत ज्यादा हाई पेस थी। वहां पे एक इमोशनल कोर था मूवी का, लेकिन रेस्ट ऑफ द मूवी मतलब यूजुअल टिपिकल, अगर आपने नायक देखी है या फिर अपरिचित देखी है, उन मूवीज का जो एडिटिंग स्टाइल होता है इंडियन मूवी भी वैसे ही था। और ये जो इंट्रो निकला है, लेट्स कॉल इट ए टीजर, ये भी एग्जैक्टली उसी वाइब का है। मतलब कि इतने फट शॉट्स आते हैं कि सांस लेने का टाइम नहीं मिलता। समहाउ दिस टीजर ना ब्रॉट मी टू माय चाइल्डहुड। मुझे टीजर में ना ऐसा कोई भी ऐसे VFX हैवी या बहुत डिस्कस करने लायक शॉट नहीं दिखा। ऑल द शॉट्स मुझे इन कैमरा और लो ऑन गिमिक वाले शॉट्स ही लगे मुझे। लेकिन ऑफ कोर्स यहां पे एक CGI चूहा है, तो शंकर सर ऐसा करते हैं कि इन योर फेस, मतलब वो ज्यादा हाइड नहीं करते, इन योर फेस वो चीजें करते हैं। जैसे अगर आपने नायक देखी है तो वहां भी बीच बीच में वो कार्टून ड्राइंग्स आते रहते हैं, तो यहाँ पे भी एक CGI चूहा है। एंड आई बिलीव ये चूहा ना वो करप्ट पॉलिटिशियंस को रिप्रेजेंट करता है, ऐसा लगता है देख के, कि ब्लू टिक भी है, पैसा सूंघ रहा है, दिस एंड दैट हो सकता है। और अगर हम लोग CGI की बात करें तो देखिये ये ना बहुत जेनेरिक CGI है, मतलब जेनेरिक रेंडरिंग, जेनेरिक टेक्सचर, और इसको रियलिस्टिक करने का गोल था ही नहीं, क्योंकि इसी टीजर में हम लोग को ऐसा CGI भी दिखता है। सो दिस इज अ आर्टिस्टिक चॉइस, ये कोई लैक ऑफ मैन पावर या फिर लैक ऑफ एफर्ट नहीं है, दिस इज द आर्टिस्टिक चॉइस जो उन्होंने लिया, क्योंकि आई डोंट थिंक ये स्क्रीन प्ले में उस तरह से कुछ रोल रहेगा या फिर मूवी में शायद रहेगा भी नहीं, नहीं पता मुझे, लेकिन जिस रीजन से भी है वो फुलफिल करता है। और उस रीजन मतलब उतना फुलफिलमेंट के लिए जितना CGI चाहिए उतना उन्होंने किया है, रिसोर्सेस सेव मतलब पैसा सेव्ड। और मैंने इससे पहले भी एक वीडियो में बोला था कि कुछ कुछ मूवीज में ये जो फेक सन होता है, मतलब पीछे एक बड़ा येलो लाइट डाल के वो फेक सन वाला इफेक्ट जनरेट करते हैं, मतलब गोल्डन आर वाला सन, ये मुझे इस टीजर में काफी सारे शॉट्स में दिखा, बट ये ना प्रैक्टिकल नहीं है। मतलब आप असली सूरज को आप ऐसे नहीं कर पाओगे कैप्चर, वो सूरज बहुत छोटा हो जाएगा कैमरे में। अगर आपको असली सूरज को इतना बड़ा कैप्चर करना है, ब्राइट तो दूर की बात है, इतना बड़ा अगर आपको कैप्चर करना है तो आपको ऐसे 700mm मोर लेंस, मतलब ऐसे टेलीफोटो लेंस से आपको करना पड़ेगा, जब इन फ्रंट मतलब सामने जब कोई ऑब्जेक्ट रहेगा। सो दीज आर ऑल लाइट्स जो बहुत सारे फिल्म मेकर्स करते हैं आजकल, दिखने में अच्छा भी लगता है। बट ऑफकोर्स अनिरुद्ध म्यूजिकल है, और हमने अनिरुद्ध का इससे बेटर कंपोजिशन सुना है डेफिनेटली, दिस इज नॉट हिज बेस्ट, बट दिस वर्क्स विद द पेस ऑफ द टीजर, जो मैंने बोला कि बहुत हाई पेस्ड है और गाना भी वैसा ही है। बस मुझे एक चीज और लगा कि ये जो इतना सेंसिटिव एक सीन है वो भी ऐसे कट्स के बीच में, बीट्स के बीच में बस ऐसे चला जाता है, सो वो इम्पैक्ट नहीं आता, बिकॉज ऐसे शॉट्स अच्छे लगते हैं। यहाँ पे आप अगर आप देख सकते हो ऐसे शॉट्स जहाँ पे विजुअल नॉइस है, म्यूजिक भी ऐसा है, वो अच्छे लगते हैं, लेकिन दिस इज अ इमोशनल सीन, तो ये मुझे देख के थोड़ा सा ऑड लगा था, बट आई लव दिस इफेक्ट। ये जो किया है ना उन्होंने, जो ये रिश्वत 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 इसको मैच किया है विद द सॉन्ग, आई लव इट। मतलब जब एडिटर्स लोग ऐसा कुछ करते हैं ना, ये मुझे बहुत पसंद आता है कि ये होता है एडिटर्स इनपुट, कि उन्होंने यहाँ पे मौका दिखा, यहाँ पे उन्होंने गैप दिखा, उन्होंने उसको यूज किया अच्छे से। और टाइटल में भी जब ये डॉली जूम होता है तो ये जो गेट खुलने वाला जो साउंड है, हेलो, देखिए ऐसे ऐसे चीजों में ना कुछ भी सही या गलत नहीं होता है। मतलब गेट खुलने वाला साउंड को छोड़ के अगर कोई दूसरा साउंड भी डालते तो भी शायद इतना ही काम करता, लेकिन जो भी साउंड आप यूज करोगे ना वो पेसिंग के साथ जाना पड़ेगा। मतलब आप इस सीन का जो पेस है, मतलब जो जिस स्पीड में डॉली जूम हो रहा है उसी स्पीड में ये म्यूजिक भी, मतलब ऐसे अगर आप कर्व करोगे विजुअल तो ऐसा ऐसा एक कर्व है इस पूरे म्यूजिक का,
अभी देखिए बहुत सारे एडिट्स में देखता हूँ जहाँ पे अचानक से बहुत सारे साउंड अचानक से आ जाते हैं, तो वो थोड़ा पेस को डिस्टर्ब करता है। मेरे हिसाब से पेसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको वो देखना पड़ेगा अगर आप कोई साउंड यूज कर रहे हो ना, उसका वॉल्यूम, इंटेंसिटी एंड पेस, ये सारी चीजों को मैच करना पड़ेगा। एंड फाइनली वी गेट द रिवील ऑफ मिस्टर कमला हसना एज सेनापति उर्फ हिंदुस्तानी। नमस्ते इंडिया, हिंदुस्तानी इज बैक। ऑब्वियसली हम लोगों ने पोस्टर्स देखे हुए थे, राज भाई ने किए हैं पोस्टर्स, इनके भी मैंने बहुत पहले देखा था। जस्ट लुक एट द मेकअप, दे हैव कम ए लॉन्ग वे। मतलब उस टाइम पे 96 वाले मूवी में भी मेकअप बहुत अच्छा था, इसमें तो इनसेन लेवल का है, अलग ही लेवल का मेकअप है। और एक चीज जो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा वो लगा कि इनका जो एंट्री है, एंट्री में आप देख सकते हो ये 24 FPS में शूट करके इसको स्लो मो किया गया, इसलिए थोड़ा जिटरी है। तो शायद उन लोगों ने ऐसे प्लान नहीं किया था, उन लोगों ने शायद प्लान किया था कि नॉर्मल स्पीड में आके ही वो शो अप हो जाएंगे, बट बाद में शायद जब एडिटिंग कर रहे थे तो उनको रियलाइज हुआ कि अरे यार ये स्लो मो में कर लेना चाहिए था। हो सकता है, बिकॉज ये स्कल वाला शॉट देखिए, सो दे ऑफकोर्स हैव हाई स्पीड कैमराज, तो ये हीरो शॉट को क्यों ऐसा करेंगे, वो रीजन हो सकता है। ये थोड़ा सा मुझे और लगा कि जिटरी स्लो मो नहीं हो गए, प्रॉपर स्लो मो होना चाहिए था। एंड आई लव दिस लिटिल एनिमेटेड फिंगर, मतलब ये आके जो हिंदुस्तानी जो वर्ड है उसको ठीक कर देता है मार के। देखिए इसकी जरूरत नहीं थी, आप समझ रहे हो, इसकी जरूरत ही नहीं थी, लेकिन उन्होंने किया। अगर आपको याद है तो बाहुबली में भी था कि वो लोग बाहुबली को ऐसे मोल्टन ऐसे कुछ तो फैक्ट्री जैसा दिखाते हैं, ये होता है वैसे, वो गणपत में भी था, उन्होंने किया था कुछ तो एक। सो इनसेन, मतलब ये ना तो 3D अच्छा है, ना तो इट गिव्स यू अ डिफरेंट फील, मतलब आपको एक अलग सा वो देता है, मैं कैसे बोलूं। बहुत लोग को पसंद नहीं भी हो सकता है, बट मुझे ऐसे इंसैनिटीज ना मुझे अच्छे लगते हैं, मतलब व्हेन थिंग्स आर इंटरेस्टिंग, प्लेन लिखने से बेटर है कि कुछ ऐसे कर दिया। एंड ऑफकोर्स विद द फॉलिंग ब्रिक वाला साउंड एंड द म्यूजिक क्रेशेंडो, एवरीथिंग वर्क्स। शंकर सर क्लैप्स, मतलब आई एम सुपर वेटिंग फॉर दिस मूवी, और प्रॉपर ट्रेलर पता नहीं कब आएगा, बट आई एम एक्साइटेड, मुझे अच्छा लगा। एंड आई होप कि 2.0 की तरह ना हो, ये मूवी थोड़ी अच्छी बने, आई होप, और हिंदी में रिलीज हो जाए यार। ये जो मूवी आई थी ना जेलर, ये बैंगलोर में हिंदी में आई ही नहीं थी, और मुझे ना ऐसे सबटाइटल में देखना पसंद नहीं है मूवीज़, तो मैं नहीं देख पाया था। फिर बाद में जब अमेजोन प्राइम में देखा तो ऐसा लगा कि अरे मिस कर दिया, मुझे देख लेना चाहिए था, बट वही है, देखते हैं। आई एम एक्साइटेड, आप बताइए आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन, अगर अच्छा नहीं लगा तो हिट द डिसलाइक बटन। मैंने लास्ट वीडियो में कमेंट दिखा था कि डिसलाइक के बाद ही सब्सक्राइब करने के लिए बोलते हो, जी हाँ बिल्कुल, अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी करके जाइए। दिस वाज शमीम, यू वाचिंग की बाकी भी, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।